जय भीम साथियों साथियों, आज दो महीने के बीच मैं आप लोगों के बीच में आई हूं। पुलिस का लगातार हमारे घर पे आना जाना बना रह रहा है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि 10 अक्टूबर को हमने आंदोलन किया और वो आंदोलन में ये मांग था कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को एक एक एकड़ जमीन दिया जाए, प्रत्येक जाति धर्म के व्यक्ति को निशुल्क चिकित्सा दिया जाए, प्रत्येक जाति धर्म के बच्चे के लिए स्नातक तक एजुकेशन फ्री हो। इस तरह से हमारी कुछ मांग थी, कुछ डिमांड था सरकार से। पिछले कई सालों से हम आंदोलन करते आ रहे हैं। 17 दिसंबर को देखेंगे, 17 मार्च को देखेंगे, इस तरह से हम आंदोलन करते आए। 17 दिसंबर को आंदोलन किए गोरखपुर में लाखों की संख्या में, 17 मार्च को भी किए, और हम 10 अक्टूबर को डेरा डालो घेरा डालो के तहत किए थे, जिसमें हमारे कई साथी, लगभग 13 साथी हमारे जेल गए, 15 से 16 साथियों पे अज्ञात नाम दर्ज एफआईआर भी हुआ है, अज्ञात भी हुआ, 25-26 लोगों पे एफआईआर हुआ है। उस गतिविधियों को लेकर के बहुत पुलिस प्रताड़ित भी किया। सवाल आप लोगों के बीच में आने का एक ये है कि हमने किसी का हत्या नहीं किया। अम्बेडकर जन मोर्चा का कोई भी पदाधिकारी, माननीय सरोड कुमार निराला जी, किसी की हत्या नहीं किए, किसी के घर में डाका नहीं डाले, किसी का चोरी नहीं किए। तुमको जेल में रखा गया। हमारे घर पे पुलिस, आप जैसा कि आपको बताऊं कि मेरे भाई को उठा ले गए, मेरे फूफा जी को उठा ले गए। हमारे घर पे दिन में 4 बार, रात में 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे वो हमारे घर पे छापा मारी रहे थे। अभी भी वो कार्यक्रम चली रहा है। यह है कि थोड़ा कम हो गया है। अभी 2 दिन पहले भी पुलिस हमारे घर पे गई थी। साथियों, सवाल ये है, आप सभी लोगों से सवाल मैं ये करना चाह रही हूं कि ये हमारे हाथ में 3, आप देख रहे होंगे, नजदीक से मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, 3 दिसंबर का ये एक 3 दिसंबर का ये अखबार है, और इस अखबार में आप देखेंगे कि मोदी जी का, योगी जी का दावा भी है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि संत कबीर नगर, जो सरकार बड़े बड़े दावा करती है बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, सीमा गौतम अगर गरीबों के लिए लड़ती हैं तो उनके घर पे पुलिस की टांडों करवाया जाता है, नामजद एफआईआर किया जाता है, साजिश के तहत एक षड्यंत्र गढ़ा जाता है कि उनको जान से मारने की कोशिश में सीमा गौतम समेत कम से कम 28-30 लोगों पे एफआईआर दर्ज है। ये आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग जानते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जो मैं अखबार आप लोगों को दिखा रही हूं, संत कबीर नगर में 4.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। उसी नगर में 5 साल के बच्ची के साथ रेप किया गया है। ये 3 तारीख का अखबार है, 3 दिसंबर का अखबार है, और आप ये अमर उजाला में ये निकला है, आप गोरखपुर के अमर उजाला में निकला, हो सकता है कि आप जहां भी देख रहे होंगे गोरखपुर की न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैं बताऊं, महाराजगंज में 20 वर्षीय बच्ची के साथ, एक किशोरी के साथ रेप किया गया। मतलब 3 दिसंबर को 3 लोगों के साथ रेप, 4.5 साल के बच्ची के साथ, 5 साल के बच्ची के साथ, 20 साल के। अब ये बताइए, एक दिन में, ये अमर उजाला, मैं अपने घर से नहीं कह रही, ये अमर उजाला छापता है कि 3 लोगों का 4.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। इस सरकार से, इस सरकार में बैठे लोगों से, सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल है, उन तमाम लोगों से सवाल है कि ये 4.5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची किसका गुनाह की है, किसका घर फोड़ दी है, किसके घर में डाका डाल दिए, किसके घर में ऐसा क्या काम कर रही थी जो लोगों में, जो भेड़ियों में आफत आ रही थी। साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा है, ये उनके मुंह पे कालिक है। जो लोग ये नारा दे रहे हैं और जो लोग शान से कहते हैं कि नहीं हमने बेटियों के लिए काम किया, ये बेटियों के काम है, ये तो 3 केस हैं। ये 3 केस वैसे हैं जो मीडिया में आ गए हैं। आपको मैं बताऊं,
दस लोगों की दस हमारे बच्चियों के साथ रेप होता है तो मुश्किल से एक बेटी का एफआईआर होता है, और जहां 100 बेटियों के एफआईआर दर्ज होते हैं वहां मुश्किल से 10 बेटियां कोर्ट तक जा पाती हैं। नहीं तो उनके ऊपर इतनी दबाव बनाया जाता है आरोपियों की तरफ से कि कुछ एफआईआर तक, कुछ एफआईआर से पहले ही, मेरे पास बहुत सारे केसेस का उदाहरण है कि कुछ एफआईआर होने तक, कुछ एफआईआर होने से पहले ही उनको इतना दबाव बनाया जाता है कि घर में मार डालेंगे, घर में फूंक देंगे, परिवार को मार देंगे, इनको कर देंगे, ये सारे दबाव बना करके केस को खत्म कर दिया जाता है, पीड़ित का मुंह बंद कर दिया जाता है। ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है। ये तीन केस यानी 3 दिसंबर 2023 का तीन केस एक दिन में दर्ज हुआ है, तो आप बताइए, सोचिए कि कितने केस दर्ज हो रहे हैं। सवाल सिर्फ मौजूदा सरकार से नहीं है साथियों, सवाल उन अंधभक्तों से मैं करना चाह रही हूं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। जब कोई सीमा गौतम जैसे, श्रवण कुमार निराला जैसे, नीलम बौद्ध जैसे, निर्देश सिंह जैसे लोग, रामू सिद्धार्थ, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ जैसे लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जाति के नाम पे भीख मांगने, चमचागिरी करने, जाति के नाम पे वोट मांगने चले आते हैं, जाति के नाम पे कैडर चलाने लगते हैं कि तुम मेरी जात को मेरे लिए काम करो, तुम मेरे जात को मेरे धर्म को, मैं उन जाति धर्म के लोगों से कहना चाह रही हूं, खास करके बहन जी के चमचों से कहना चाह रही हूं, जो बहन जी के अंधभक्त हैं, जब कोई काम करता है, कोई समाज के लिए लड़ता है, मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें इस तरह से होती हैं कि जब मैं काम करती हूं तो बहुत सारे अंधभक्त यही सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि बहन जी के साथ गद्दारी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वो अंधभक्त कहां है जो बहन जी के नाम पे भीख मांगते हैं, घर में बैठ करके ट्यून कर देते हैं, घर में बैठ करके व्हाट्सएप पे बैठ करके चार लाइन लिख देते हैं, वो कहां है? इन केस में कोई बताएगा, कोई अंधभक्त बताएगा हमको, कोई अपडेट देगा? कोई भी अंधभक्त जो बहन जी के नाम पे, जाति के नाम पे, बहुजन समाज के नाम पे, खास करके बहुजन समाज, पिछड़े समाज के नाम पे, ये बेटियां जो तीनों बेटियों का रेप हुआ है, ये पिछड़े समाज की भी हो सकती है, दलित समाज की भी हो सकती है, अपर कास्ट की नहीं हो सकती, क्योंकि अपर कास्ट का तो आएगा ही नहीं। कोई अंधभक्त हमें बताएगा कि इस केस में तुम्हारी बहन जी या तुम क्या कर रहे हो, इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तुमने क्या किया, हमको कोई अपडेट देगा, कोई बताएगा? अगर बताने की हैसियत ना हो तो फालतू में किसी के पोस्ट पर, किसी के काम पे कमेंट मत करो। साथियों, ऐसे अंधभक्तों से भी सवाल करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तीन तीन लोगों के साथ रेप हुआ है, 4.5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, बहन जी क्या कर रही हैं? वोट मांगने आएंगी जात के नाम पर? बहन जी के चमचे क्या कर रहे हैं? वोट मांगने आएंगे? इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए कितने कैडर किए गए? इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए कितने एप्लीकेशन लिखे गए? कितने नारे लगाए गए? कितने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? अगर कोई सोशल काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, तब चमचागिरी करने आओगे? ऐसे लोगों को चप्पल निकाल के मारने लायक है जो अंधभक्ति करते हैं, जो जाति के नाम पे अंधभक्ति करते हैं, कहते हैं वोट मांगने के लिए बहन जी के नाम पे चले आते हैं कि वोट दे दो, और इन बेटियों को न्याय कौन दिलाएगा? साथियों, मैं असमर्थ हूं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं मुझे बहुत कष्ट है, मुझे बहुत पीड़ा है, मैं नहीं जा सकती समाज में, मैं नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूं कि पुलिस अभी भी हमारे पीछे पड़ी हुई है, अभी हमारा अग्रिम जमानत नहीं हुआ है मुझे, लेकिन मैं बोलने के लिए बहुत मजबूर हो गई हूं। कल से ये पेपर मैं देख रही हूं, कल से मैं सोशल मीडिया भी चेक कर रही हूं, किसी भी अंधभक्त का, किसी भी माया भक्त का, एक भी अंधभक्त का पोस्ट नहीं आया कि इस केस में हम कुछ कर रहे हैं, उन बेटियों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ जाति के लिए ये लोग आते हैं, ऐसे लोगों को जूतों के माला पहनाने के लायक हैं ये लोग। साथियों,
आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन बेटियों के पास जो भी आसपास के हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, इनकी मदद करिए। 4.5 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची, कुशीनगर में 5 साल की बच्ची, 4.5 साल की बच्ची के साथ इस तरह से घिनौना हो रहा है। आप बड़ी बच्चियों को तो कहते हैं कि स्कर्ट पहनती है, ये पहनती है, वो पहनती है, ये 4 साल की बच्ची, 4.5 साल की बच्ची को क्या पहनाओगे? इन 4 साल की बच्ची को कौन सा बुरखा पहनाए, क्या पहना दे? मुझे बहुत तकलीफ है साथियों, बहुत दुख हो रहा है कि इन बच्चियों के साथ इतना बड़ा घटना हो रहा है और अंधभक्त जो हैं वो चुपचाप देख रहे हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मैं कल ही से देख रही हूँ, किसी का अपडेट नहीं आया अभी तक कि हाँ सोशल मीडिया पे चाहे हम उनके घर गए, चाहे हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। चुनाव में करोगे, चुनाव के टाइम इन बेटियों को चुनाव के टाइम बचाओगे? साथियों, इन दलालों से भी सावधान रहने की जरूरत है, इन दलालों को भी पहचानने की जरूरत है। ये सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, चुनाव में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कैडर चलाते हैं, हकीकत में नहीं चलाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो भी इनके आसपास हैं, इनकी मदद करें, आरोपियों के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करें। मेरा प्रशासन से, शासन से ये अनुरोध है कि आप इन बेटियों को न्याय दिलाइए। ये भी हमारे समाज की बेटी है, ये भी भारत की बेटी है, ये भी उत्तर प्रदेश की बेटी है, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की कलेजे के टुकड़े हैं। इनके लिए न्याय कीजिए।